है जो कि हाथ से बुना है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि कौन से भी शुभ कार्य की शुरुआत भारतीय संस्कृति में श्री गणराया को नमन करके होती है। तो हमने ये श्री गणेश जी बनाए हैं जो कि हाथ से बुने हैं। उसके बाद महाराष्ट्र की जो संस्कृति है उसमें विट्ठल और रुक्मिणी, उनका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है, तो हमने ये हाथ से बुने हैं। और उनके आगे ये कछुआ है जो कि मंदिर में होता है। कलश का भारतीय संस्कृति में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो वो हमने बनाया है। और ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव है, ये जो नासिक में अभी हो रहा है, तो इसके पास 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो त्र्यंबकेश्वर है वो भी हमने यहाँ पे नीचे बनाए हुए हैं, वो भी हाथ से बुने गए हैं। और अभी थोड़े दिनों में, कुछ ही दिनों में, जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो चीज़ अयोध्या में होने वाली है, जो कि राम मंदिर की स्थापना। तो हमने राम, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और माता से सीता, ये भी हाथ से बुने हैं। हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो, ये भी हमने हाथ से बुना है। और बाकी सब चीज़ें हैं जो कि डेकोरेटिव है। और अनादर एक थी कि ये जो 2023 साल है ये मिलेट ईयर कहा गया है यूनेस्को के द्वारा। तो यहाँ पे हमने एक फार्मर बनाया है और वो अपने खेत में ऐसे कुछ मिलेट्स उगा के अपने घर पे लेके जा रहा है, और उसकी बीवी और उसकी बहन मिलके वो उसका आटा बना रहे हैं। बस यही हमारा, हम सब स्कूल के बच्चियाँ हैं तो ये हाथ से ऐसे बुनते हैं, तो यही हमारा आर्ट। महोत्सव में कई सारे लोग आ रहे हैं, आप बेसिकली कहाँ से हो और इसकी जानकारी आपको कैसे मिली? हम बीड से बिलोंग करते हैं, बीड जिला, जो कि उत्तोड़ कांकर का जिला बोल के जाना जाता है पूरे देश। और हम सब जो बच्चियाँ हैं, हमारे माँ बाप गन्ना तोड़ने के लिए जाते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में, सॉरी पूरे देश में जाते हैं गन्ना तोड़ने के लिए, उत्तोड़ कांकर बोलते हैं। तो ये जो है, तो ये हमने हमारे पेरेंट्स से सीखा है। गली में लोग ऐसे घूम के बैठते हैं ना, पुराने लोग। ये जो है, दो शब्द ये कहा जाए तो भारतीय पारंपरिक संस्कृति उसमें से हमने जतन कर डाली है, जतन करें और निखारे। मोदी जी के लिए क्या कहेंगे, जिन्होंने इतना बहुत अच्छा यूथ के लिए फेस्टिवल अरेंज किया है, तो उनको आप कैसे देखते हैं उसके बारे में? जी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी ने सब युवकों को एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप, आपके अंदर जो कुछ कला है, भले आप पढ़ाई में आगे हो या पीछे हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो इंटरनल कला है वो आप सामने ला सकते हो और उससे भी आप रोज़गार पा सकते हो। तो कोई ऐसा खाली नहीं बैठेगा और युवक जो है वो सक्षम हो जाएगा। थैंक यू।